हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग क्लास ट्वेल्थ का चैप्टर फोर डिटरमिनेंट्स की एक्सरसाइज 4.2 करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं एरिया ऑफ ट्रेंगल क्या होता है। एरिया ऑफ ट्रेंगल हुज वर्टेक्स आर x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3। तो एरिया ऑफ ट्रेंगल इज इक्वल टू वन, इसका फार्मूला होता है 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। ठीक है, अगर कंडीशन ऑफ कोलिनियर के लिए होगा तो इसमें भी थ्री पॉइंट दिए होते हैं, x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3। अब कोलिनियर तो एरिया ऑफ ट्रेंगल जीरो होगा, इसका होता है x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमें फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेंगल हुज वर्टेक्स आर। तो हमें एरिया ऑफ ट्रेंगल फाइंड आउट करना है। वह हमारे पास वर्टेक्स दिया है 2, 7, 1, 1, 10, 8। सेकेंड क्वेश्चन है 2, -2, -3, 3, 2 एंड -1, 8। ठीक है, -8 ऐसे क्वेश्चन नंबर थर्ड है। तो आई क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 2, 7, 1, 1 एंड 10, 8 एरिया ऑफ ट्रेंगल। तो ये होगा 1/2, फार्मूला होता है x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रेंगल 1/2 x1 y1 x2 y2 y x3 y3। यहाँ एक्स, ये x1 की वैल्यू है, x1 इज इक्वल टू 2 यहाँ पे पुट कर दिया। x2 की वैल्यू 1 दी हुई है, x3 की वैल्यू हमारी दी हुई है 10, y1 की 7, y2 की 1, y3 की हमारे पास है 8। ये 1 1 1 हो गया। अब इसे सॉल्व करेंगे, 1/2 लेके चलेंगे, ये वाला हमारा कॉलम कट, ये कट, ये 1 माइनस का 8 हो जाएगा, -7 तो ये हमारा कट हो जाएगा, तो 1 -10 हो जाएगा। 1 के को लेके सॉल्व करेंगे तो 8 माइनस का 10, तो 1/2 इसको सॉल्व करेंगे, 2 -7 ये हो जाएगा -7 -9 +1 -2। अब इसे सॉल्व किया तो यह आ जाएगा -14 +63 -2। इसको ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 47 आ जाएगा। 2 से डिवाइड करने पे इसकी वैल्यू आ जाएगी 23.5 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है -2, -3 एंड 3, 2 एंड -1, -8। ठीक है, इसमें भी एरिया ऑफ ट्रेंगल फाइंड आउट करेंगे, 1/2 x1 x2 y1 y2 y3 1 1 1। ठीक है, इसमें वैल्यू पुट करेंगे, x1 की जगह पे हो जाएगा -2, x2 की वैल्यू 3 दी हुई है, x3 की वैल्यू -1 हो गई, y1 की वैल्यू -3, y2 की 2 एंड y3 की -8 है, और ये 1 1 1 हो जाएगा। अब सॉल्व करेंगे, 1/2 -2 तो ये कट हो जाएगा, 2 + 8 हो जाएगा, 3 लेके चले तो -, -+3 हो जाएगा, ये हो जाएगा -3 + 1। ठीक है, इसे लेके सॉल्व करेंगे तो ये -24, ये -2 तो -, -+ हो जाएगा, तो 1/2 ये आ जाएगा -20, ये हो जाएगा 12, ये हमारा -22। ठीक है, इसे ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे 30 आ जाएगा। अब 2 से डिवाइड करेंगे तो 15 स्क्वायर यूनिट आ जाए। अब आइए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा दिया है एरिया ऑफ ट्रेंगल 4 स्क्वायर यूनिट हुज वर्टेक्स आर -2, 0, 0, 4 एंड 0, k। फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ठीक है, तो इसे सॉल्व करेंगे तो फार्मूला क्या होता है एरिया ऑफ ट्रेंगल का, 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 and y3 1 1 1। एरिया ऑफ ट्रेंगल की वैल्यू कितनी दी है, 4। 1/2 x1 की वैल्यू -2, x2 की वैल्यू 0 एंड x3 की वैल्यू 0, y1 की वैल्यू 0, y2 की वैल्यू 4 एंड y3 की वैल्यू k है। ठीक है, ये 1 1 1। ठीक है, अब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे, 4 = 1/2 ये जगह -2 तो इसको कट करेंगे तो यह जगह 4 - k। ठीक है, ये हो जाएगा 0, इसकी तो 0 हो जाएगी, ये हो जाएगा +1, ये कैंसिल, ये भी 0 हो जाएगा, 0 - 0 तो आएगा 4 = 1/2 -2 4 - k, तो ये से ये कैंसिल हो गया तो हमारा आएगा 4 = -4 + k।
तो k इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा 8। ओके, हमारा आंसर फाइंड आउट हो गया। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब ये दिया है प्रूव दैट द पॉइंट ए कॉमा बी प्लस सी, ए बी कॉमा सी प्लस ए एंड सी कॉमा ए प्लस बी आर कोलिनियर। ठीक है, तो पहले हमारे पास पॉइंट क्या दिए हुए हैं, पॉइंट हमारे दिए हैं ए कॉमा बी प्लस सी एंड बी कॉमा सी प्लस ए एंड सी कॉमा ए प्लस बी। ठीक है, कंडीशन कोलिनियर की है, कोलिनियर तो इसका जो ट्रेंगल का निकालते हैं तो इसको एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री वाई वन वाई टू एंड वाई थ्री वन 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 ये हमेशा ज़ीरो होना चाहिए। ठीक है, ये हमें प्रूफ करके लाना है। तो हमारा पहले अब हम इसे लेके सॉल्व करेंगे, क्या है एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एंड वाई वन वाई टू वाई थ्री वन वन वन। ठीक है, एक्स वन एक्स वन की जगह पे ए बी एंड सी, ये बी प्लस सी सी प्लस ए एंड ए प्लस बी, ये वन वन वन। ठीक है, ये हमारे पास दिया हुआ है। अब इसे हम लोग क्या करेंगे, C1 की वैल्यू निकालेंगे, C1 में C2 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा A प्लस बी प्लस सी, ए 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 प्लस बी प्लस सी, तो ये भी हो जाएगा A प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे B प्लस सी, C प्लस ए, ए प्लस बी, वन वन वन। ठीक है, यह इसको कॉमन ले लेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी कॉमन आ जाएगा तो यहाँ क्या होगा वन वन वन, बी प्लस सी, सी प्लस ए, ए माइन ए प्लस बी, सॉरी वन वन वन। जब भी किसी डिटर्मिनेंट में दो कॉलम या दो रो सेम होते हैं तो उसकी वैल्यू क्या होती है, ज़ीरो हो जाती है, तो इसकी वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, ज़ीरो। तो आंसर हमारा क्या आ गया, ज़ीरो। हमें ज़ीरो प्रूफ भी करना था, कोलिनियर, कोलिनियर का मतलब होता है कि जब एरिया ऑफ ट्रेंगल ज़ीरो होना चाहिए, तो हमारा एरिया ऑफ ट्रेंगल ज़ीरो फाइंड आउट हो गया। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ पॉइंट ए कॉमा बी ए वन कॉमा बी वन एंड ए माइनस ए वन एंड बी माइनस बी वन आर कोलिनियर, प्रूफ करना ए अपॉन ए वन इज इक्वल टू बी अपॉन बी वन। ठीक है, तो पॉइंट हमारे दिए हुए हैं ए कॉमा बी एंड ए वन कॉमा बी वन एंड ए माइनस ए वन कॉमा बी माइनस बी वन। ओके, तो इसका भी वही फार्मूला होगा, एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री वाई वन वाई टू वाई थ्री वन वन वन, ये भी ज़ीरो के इक्वल में होता है। ठीक है, तो एक्स वन की वैल्यू क्या है, ए, ये ए वन, ये ए माइनस ए वन हो जाएगा, ये हमारा बी, बी वन, बी माइनस बी वन, वन वन वन। ठीक है, इज इक्वल टू ज़ीरो। अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा ए, ब्रैकेट में आएगा बी वन माइनस बी प्लस बी वन, माइनस का बी लेके चलेंगे तो ये हो जाएगा ए वन माइनस ए प्लस ए वन। ठीक है, इसका हो जाएगा वन, तो ये हो जाएगा ए वन बी माइनस ए वन बी वन, माइनस का ए बी वन प्लस का ए बी वन। ओके, प्लस का ए वन बी वन। ओके, ये आ जाएगा ए वन बी वन। अब ये हो जाएगा ए, इसको ए टू बी वन माइनस बी, ये हो जाएगा हमारा बी टू ए वन माइनस का ए, प्लस इससे ये कैंसिल हो गया तो ये हमारा हो जाएगा ए वन बी माइनस ए बी वन। ओके, तो ये हो जाएगा टू ए बी वन माइनस ए बी माइनस टू ए वन बी प्लस ए बी प्लस ए वन बी माइनस ए बी वन।
तो ये ए बी से ये बी कैंसिल हो गया, ए बी वन माइनस बी वन ए, ठीक है, इसमें से ये माइनस हो जाएगा, टू ए बी वन में से वन ए बी वन माइनस होगा तो वन ए बी वन हो जाएगा, सिमिलरली ऐसे इसका भी हो जाएगा ज़ीरो, ठीक है। तो ये इसको हम लोग राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, ए बी वन इज इक्वल टू ए वन बी, तो इसके इसके डिवाइड में इसको लेके चलेंगे तो ए वन, सॉरी ये हमारा क्या है, ए बी वन इज इक्वल टू ए वन बी, तो ए इसके अपॉन में आ जाएगा, ए वन इज इक्वल टू बी अपॉन बी वन, ठीक है, ये हमारा प्रूव्ड हो गया। ओके, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फाइव है, फाइंड द वैल्यू ऑफ टी इफ़ द पॉइंट वन कॉमा माइनस वन थ्री कॉमा माइनस थ्री एंड टी कॉमा टू आर कोलिनियर। तो इसका हमारा पॉइंट दिया हुआ है वन कॉमा माइनस वन एंड थ्री कॉमा माइनस थ्री एंड टी कॉमा टू, ठीक है, कोलिनियर प्रूव करना है। तो हमारे पास फार्मूला होता है एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री वाई वन वाई टू वाई थ्री वन 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 इज इक्वल टू ज़ीरो, तो ये हो जाएगा वन थ्री टी, ये हो जाएगा माइनस वन माइनस थ्री टू वन 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 इज इक्वल टू ज़ीरो, इसे हम लोग सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा वन माइनस थ्री माइनस टू प्लस वन थ्री माइनस टी प्लस वन सिक्स सिक्स प्लस थ्री टी इज इक्वल टू ज़ीरो। अब क्या होगा, ये हो जाएगा माइनस का फाइव, ये हो जाएगा प्लस का थ्री माइनस टी प्लस का सिक्स प्लस थ्री टी इज इक्वल टू ज़ीरो, तो ये हमारा आएगा टू टी प्लस फोर इज इक्वल टू ज़ीरो, तो टू टी इज इक्वल टू माइनस फोर, तो टी इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस टू, ये हमारा आंसर फाइंड आउट हो गया। अब आइए क्वेश्चन और देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर सिक्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है यूजिंग डिटर्मिनेंट फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द थ्री कॉमा वन एंड नाइन कॉमा थ्री, ठीक है, तो इसमें लेट करेंगे, लेट पी एक्स कॉमा वाई बी एनी पॉइंट पासिंग थ्रू द गिवन पॉइंट, ओके द गिवन पॉइंट थ्री कॉमा वन एंड नाइन कॉमा थ्री, ठीक है, तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, हमारा फार्मूला क्या होता है, एक्स वन, एक्स वन की जगह पे हम लोग एक्स पुट करेंगे एंड ये थ्री हो जाएगा, ये नाइन हो जाएगा, वाई वन की जगह पे वाई लेके चलेंगे, ये वन और थ्री, ये वन 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 इज इक्वल टू कोलिनियर का ज़ीरो होता है, इसे सॉल्व करेंगे हम लोग, एक्स वन माइनस थ्री थ्री माइनस नाइन प्लस वन नाइन माइनस नाइन इज इक्वल टू ज़ीरो, यह जगह माइनस थ्री एक्स माइनस का सॉरी माइनस का टू एक्स टू एक्स और ये हो जाएगा प्लस का सिक्स वाई इज इक्वल टू ज़ीरो, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा टू एक्स प्लस टू एक्स माइनस सिक्स वाई इज इक्वल टू ज़ीरो, तो टू कॉमन लेंगे तो एक्स माइनस थ्री वाई इज इक्वल टू ज़ीरो, ये हमारा आंसर आ गया। ओके, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, आज के लिए बस इतना ही, तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर बताइए, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।